इकराम, मौजूदा मेहमान और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आज आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग गौर से सुनेंगे। मैं अपनी तकरीर शुरू करने से पहले एक शेर कहना चाहता हूँ। कौन कहता है वो दूर रहते हैं, बन के आँखों के नूर रहते हैं। कौन कहता है वो दूर रहते हैं, बन के आँखों के नूर रहते हैं। जहाँ होती है नबी की महफिल, वहाँ हुजूर रहते हैं। आज अल्लाह के नबी के तरीकों की कद्र करो, उसके तरीकों में ढल जाओ। उसके जैसा कद्र करने वाला नहीं, उसके जैसा मेहरबान नहीं, उसके जैसा मोहब्बत करने वाला नहीं। मुझे कोई माँ बताए तो ज़रा, जिसकी आँखों का आंसू 23 बरस तक अपनी औलाद के लिए खत्म ना हुआ हो, मैं बताता हूँ वो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो 23 बरस तक अपनी उम्मत के लिए रोया है। मुझे कोई बाप बताए तो जरा, जो 23 बरस तक अपनी औलाद के लिए तड़पा है, मैं बताता हूँ वो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो 23 बरस तक अपनी उम्मत के लिए तड़पा है, मचला है, रोया है, यहाँ तक कि अल्लाह को भी कहना पड़ा था, अरे मेरे नबी तू इतना मत रोया कर जिससे तो अपनी जान खो बैठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोया करते थे, इतना रोया करते थे, इतना रोया करते थे कि उन्हें एक एक मरतबा 4-4 दिन तक भूखा रहना पड़ता था। एक मरतबा का जिक्र है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे, उनके चेहरे का रंग पीला पड़ा हुआ था। एक सहाबा एक कहने लगे, या रसूलुल्लाह, आज आपको क्या हुआ है, आज आपका रंग पीला क्यों पड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट पर उंगली रखी और कहने लगे, काफ 3 दिन गुजर चुके, मैंने कुछ नहीं खाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरों के बाग में जाकर खराब खजूर उठाकर मिट्टी झाड़ कर खाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी हस्ती हैं जिनके लिए जन्नत के दस्तखान ज़मीन पर आ सकते हैं, फरिश्ते हाथ धुलवाने के लिए खड़े हो सकते हैं, सोने चांदी के महल बनवा सकते हैं। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोरिए पर सो कर उठे तो उनके बदन मुबारक पर चटाई के निशानात थे। एक सहाबा आए और कहने लगे, या रसूलुल्लाह, हमें इजाज़त दीजिए कि हम आपके लिए बिछौना बना दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दुनिया से क्या काम, मैं तो दुनिया में इस तरह हूँ जैसे एक सवार दरख्त के नीचे साए की वजह से बैठ गया है, फिर वहाँ से चला गया। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने पीने का सामान लेकर ताइफ शहर गए और वहाँ के लोगों को दीन हक की दावत देने लगे, तो उन्होंने दीन को कबूल करने के बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धक्के मार के बाहर निकाला, खतरे मारे, गालियाँ दी, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहर से भी बाहर निकाल दिया। आप पत्थरों की चोट की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक से खून बहने लगा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतबा बिन रब्बी के बाग में जाकर रखे, जो उनका जान का दुश्मन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहू लुहान देख कर जाने दुश्मन के भी आंखों में आंसू आ गया। फिर उसने खुद अंगूर तोड़े और प्लेट में डालकर देने जा रहा था, तभी उसे शर्म आई और उसने अपने गुलाम से कहा, ये उसे देकर आओ और उससे कहना कि तुम्हें मेरे खून की कसम इन अंगूरों को रद्द न करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी स्त्री थे जिनके दुख देख कर जाने दुश्मन के भी आंखों में आंसू आ जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फख्र इख्तियार इतना था कि एक मरतबा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में एक औरत आई और कहने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फटे रजाई देख कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रजाई दे कर गई, तो फिर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उसे खुशी से कबूल कर लिया। इतने में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहने लगी, या रसूलुल्लाह, आपकी फटी रजाई देख कर फला अंसारी बहन ने आपको ये रजाई दे कर गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, देखो आयशा, अगर मैं चाहता तो अहद पहाड़ मेरे लिए सोने का बन जाता, मैंने ही ऐसी ज़िंदगी को ठुकरा दिया, इसे वापस दे कर आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी दुख भरी ज़िंदगी गुजारते थे। मैं अपनी तकरीर एक शेर के साथ ख़त्म करता हूँ। जब उनका नाम लेता हूँ तो हुर्फ महकते हैं,
जब उनका नाम लेता हूँ तो खुद को महकते हैं, वो जहाँ से गुजरे हैं वो रास्ते महकते हैं, वो जहाँ से गुजरे हैं वो रास्ते महकते हैं। मेरे नबियों को सालों सदियाँ गुजर गए वहाँ ठहर कर, मेरे नबी को सदियाँ गुजर गए वहाँ ठहर कर, लेकिन आज भी वो गारे हीरा महकता है। खुदा हाफिज़।